हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीसी गुप्ता, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। तो डीसीएम मेजर टू का हम सोल्व कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम फिजिकल केमिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका सेक्शन ए का है। इसमें आपका ओनली एससीक्यू यानी सिंगल चॉइस आंसर है, यानी आपका 4 में से एक ही करेक्ट होगा। तो उसमें क्या पूछ रहा था, साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल वेरीज इन द ऑर्डर। निलंबन वास्तविक विलयन तथा कोलोइडी विलयन में कणों के आकार का क्रम है। देखो सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, सेटलमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइज ज़्यादा होती है। ट्यूब में क्या होता है, पार्टिकल क्या होते हैं, डिजोल्व, क्योंकि साइज सबसे कम होती है। और कोलोइडल क्या होता है, एक फेज होती है जिसमें ना तो वो डिजोल्व होते हैं ना वो सस्पेंशन आता है। ठीक, इट मीन्स मैक्सिमम साइज किसकी होगी, सस्पेंशन की। मैक्सिमम की बात करें तो किसकी होगी, सस्पेंशन की मैक्सिमम होगी। इसके बाद क्या आएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन, और सबसे एंड में क्या आएगा, ट्रू सॉल्यूशन। और एक्चुअल अगर डेटा की बात करें तो सस्पेंशन की जो साइज होती है वो होती है मोर देन 1000 नैनोमीटर, और ट्रू में क्या आती है, साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर। और कोलोइडल में क्या होती है, साइज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो देखो मैक्सिमम ये हो गई, फिर ये आ गया, फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सस्पेंशन, कोलोइडल, ट्रू, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्लियर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 है, सी एस बी आर हैज बी सी सी स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ। ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है, 4.3 है एंगस्ट्रॉम। द शॉर्टेस्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन सी जी एम प्लस एंड बी आर माइनस। देखो बी सी सी में होता क्या है, सी एस बी आर में बी आर माइनस तो क्या करता है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, और सी जी एम प्लस जो बॉडी सेंटर है वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बॉडी सेंटर डायगोनल को मैच करें तो R प्लस प्लस R माइनस, R प्लस प्लस R माइनस क्या होगा, बॉडी सेंटर डायगोनल की जो लेंथ होगी उसका हाफ होगा, और ये क्या होगी, मिनिमम या शॉर्टेस्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस। ठीक है, सी एस फोर बी आर माइनस आयोनिक के मध्य न्यूनतम अंतर आयोनिक दूरी। ठीक है, तो आपके पास A की वैल्यू है और सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है। ए की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में कितनी गिवन है, ए की वैल्यू है 4.3 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या आएगा, 2। डिवाइड कर लें इसको तो क्या होगा, 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, 0.15। अब 2.1 को 1.73 से करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 4 के आसपास आएगा। तो 4 के आसपास जस्ट आपके ऑप्शन आपको फर्स्ट या फोर्थ है, उसको आप एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3.7, यानी आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका पैराग्राफ, इसमें भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पैराग्राफ क्या है, 2 की बात कर रहे हैं, N2O3 इज एन अनस्टेबल ऑक्साइड, ठीक है, ऑफ N2 एंड इट डिकम्पोज टू NO एंड NO2। NO में NO2 में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, वेयर NO2 इज फर्दर डाइमराइज इनटू N2O4। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 है और इसका Kp2 है, इसका Kp1 है, इसका Kp2 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फ्लास्क इज इनिशियली फिल्ड विद प्योर N2O3, प्रेशर 2 bar, इनिशियली इसका जो प्रेशर है वो क्या है, 2 है, एंड इक्विलिब्रियम वर एस्टेब्लिश्ड एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO वाज फाउंड टू बी 1.5 bar। इक्विलिब्रियम पे NO का प्रेशर कितना है बेटा, 1.5 bar है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो N2O3 N2 का अस्थाई ऑक्साइड है जो NO और NO2 में क्या हो रहा है, विघटित हो जाता है, जहाँ NO2 अगेन क्या होता है, N2O4 में द्विलकी डाइमर फॉर्म कर रहा है,
ठीक है, दो अभिक्रियाएं दे रखी हैं, एक का KP1 2.5 है और सेकेंड का जो है वो KP2 है। इसका क्या है? KP2। क्लियर। अब बात करें प्रारंभ में पात्र में शुद्ध N2O3 तथा दो बार दाब रखता है तो साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य पर NO2 का आंशिक दाब 1.5 बार प्राप्त होता है। तो करना क्या है देखो, इसमें वैल्यू ऑफ KP2 क्या करना है, वैल्यू ऑफ KP2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 था अपना, ठीक है, पैराग्राफ सेम आपका। इससे जस्ट पहले अपना क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपना पैराग्राफ में 2 स्टार्ट होता है, तो 9 और 10 इसी पैराग्राफ क्वेश्चन है। तो पहले हम 9 सोल्व करेंगे, उसके बाद 10 सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ N2O3 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करें, देखो सिंपल सिंपल रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है N2O3 तो देखो रिएक्शन लिखता हूं मैं, N2O3 से क्या बनता है, NO प्लस NO2। क्लियर है। तो T इक्वल टू 0 पर इसका प्रेशर है 2 0 0। क्लियर। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ अचीव हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हिंदी में बात करें तो समसामयिक साम्य या युग्मक साम्य या क्रमागत साम्य, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है रूल, जो कॉमन सब्सटेंस होता है या कॉमन रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, उभयनिष्ठ अवयव की सांद्रता समान होती है। तो NO2 में यहाँ के बाद जो डीकम्पोज होगा वो देखो इसमें सेम होगा। तो हम पहले इस ओनली ये सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम पर NO का जो प्रेशर है, इक्विलिब्रियम पर NO का प्रेशर कितना है, 1.5 बार है। इट मीन्स ये कब पॉसिबल है कि हम मानते हैं कि 2 में से P प्रेशर क्या होता है, डिसोशिएट होता है। तो इसका भी क्रिएट कितना होगा, P होगा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है ना बेटा, तो P से P होगा, इसका भी क्या होगा, P होगा। क्लियर। अब P की वैल्यू 1.5 है तो इसकी वैल्यू भी 1.5 बार प्रेशर होगा, और N2O3 का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 2 माइनस 1.5, यानी आपका 0.5 आएगा आंसर, ठीक है। तो N2O3 का जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है, साम्य दाब है, वो कितना हो गया, 0.5 बार हो गया। क्लियर बेटा। तो हमने बात कर ली है क्वेश्चन नंबर 9 की, आप इसी पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ क्या करना है, KP2 की वैल्यू में क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो अगेन मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूँ, N2O3 गिव्स टू क्या बनता है इससे, NO प्लस NO2। क्लियर है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2.5 बार। तो T इक्वल टू 0 पे, या हम सीधा डायरेक्टली बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, हमने क्या देखा यहाँ पे, प्रेशर कितना था, 0.5 था, यहाँ 1.5 था और यहाँ 1.5 था, यही था। अब अगेन क्या हो रहा है, NO2 डाइमराइज किस में हो रहा है, N2O4 में। किस में हो रहा है बेटा, N2O4। तो यहाँ से 1.5 में से कुछ प्रेशर क्या होगा, डिसोसिएट। तो हम मानते हैं कि 1.5 में से P प्रेशर क्या होता है, डिसोशिएट होता है। तो यहाँ भी कितना बचेगा, 1.5 माइनस P, क्यों, NO2 की जो कंसेंट्रेशन है पूरे कंटेनर में एक साथ हो रहा है, तो सेम ही तो रहेगी, अलग अलग तो है नहीं, एक ही कंटेनर में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 से 1, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके P प्रेशर से क्या बनेगा, P/2 प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा। क्लियर।
हमें करना क्या है, के पी टू की यानी इसका अगर हम कॉन्स्टेंट डिटरमाइन करना है तो पहले पी निकालें हम, तो फर्स्ट का के पी 2.5 है, तो फर्स्ट का के पी क्या होगा बोलो, 3/2 भाई एन ओ का प्रेशर इंटू एन ओ टू का प्रेशर अपॉन एन टू ओ थ्री का प्रेशर, ये होगा के पी। तो क्या होगा एन 3 1.5 लिख रहा हूँ मैं, 3/2 इंटू 3/2 माइनस पी, क्लियर, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू थ्री कितना है 1/2, इसकी वैल्यू है 5/2, क्लियर। क्या करें 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, क्लियर, तो 3/2 माइनस पी, 3/2 माइनस पी क्या हो गया 2, पहले से 3 और आएगा तो 5/6 हो जाएगा बेटा, क्लियर। और सोल्व करें तो p इक्वल टू क्या हो गया 3/2 माइनस 5/6, तो 3/2 माइनस 5/6 क्या होगा 9 माइनस 5, 4/6 बोले तो 2/3 आएगा, क्लियर। अब p की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ मैं तो ये प्रेशर कितना हो गया 3/2 माइनस p है और यह p/2 यानी 1/3, और 3/2 माइनस पी की वैल्यू है ना अपने पास 5/6, यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली 5/6, यानी NO2 का प्रेशर 5/6 और N2O4 का प्रेशर 1/3, क्लियर। तो फाइनल क्या होगा KP2 बोलो, KP2 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है 1/3 अपॉन NO2 के प्रेशर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 5/6 का स्क्वायर कर दें तो अपॉन 5/6 इंटू 5/6, क्लियर, कितना हो गया 2 टाइम्स आएगा, तो आपका कितना हो गया 6 × 2 12/25, यानी आपका हो गया 0.48 आपका आंसर आ गया, क्लियर बेटा। 48 कौन सा ऑप्शन, आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब आगे मूव करते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके क्या है, वन और मोर देन वन, यानी मल्टी आंसर है, मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। तो फिजिकल की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो 7 पढ़ते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, EMF ई नोट है, Cu+2 का SRP है, Cu+ का SRP, ठीक है। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, अर्ध सेल का विद्युत वाहक बल ने SRP यानी मानक अपचयन विभव का मान दिया हुआ, तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है कौन सी नहीं है। पहली है Cu+ से डिसप्रोपोर्शनेशन, यानी Cu+ का विषमानुपातन होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन होता है Cu+ का, तो कैसे चेक करें, तो देखो ध्यान दो कैसे करेंगे इसको, Cu+ का डिसप्रोपोर्शनेशन होगा तो रिएक्शन क्या होगी, Cu+ से क्या बनेगा, Cu+ Cu+2, क्लियर। क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन, एक ही कंपाउंड में एक ही स्पीसीज का एक ही एटम का क्या होता है ऑक्सीडेशन, उसी का क्या होता है रिडक्शन। तो यहाँ कॉपर का +1 है, +1 से 0 रिडक्शन हो गया, +1 से +2 क्या हो गया ऑक्सीडेशन भी हो गया, और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 2, क्लियर। तो इसका डेल्टा जी लिखें तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नोट -NFe से, तो -N क्या होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने का ट्रांसफर हो रहा है ध्यान देना, यहाँ पे Cu+ से Cu बन रहा है यानी एक इलेक्ट्रॉन Cu+ ने गेन किया और एक इलेक्ट्रॉन Cu+ ने डोनेट किया। अगर मैं इसको लिख दूँ Cu+, देखें आप यहाँ पे देखें Cu+ Cu+, तो ये वाला तो एक्सेप्ट कर रहा है और एक इसमें डोनेट कर रहा है, तो एक ही डोनेट हो रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, तो ट्रांसफर कितने का हो रहा है अल्टीमेटली 1 का, तो -1 × F × -1 ×
एफ फैराडे कांस्टेंट इनटू एनोड सेल, इसका जो एनोड सेल है वो निकाल लेंगे बेटा। अब आपको ये पता करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो वर्किंग कंडीशन क्या होती है सेल की, एनोड सेल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है, और डेल्टा जी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो हमें एनोड सेल देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब ये रिएक्शन बनेगी, अपने पास क्या दिया हुआ है इसके लिए, दो रिएक्शन दिए बेटा, सी यू प्लस टू सी यू वाली और सी यू प्लस से सी यू वाली, तो लिख लें इसके लिए। तो फर्स्ट लिखता हूँ मैं सी यू प्लस टू प्लस क्या लेंगे टू इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा सी यू, और इसका डेल्टा जी क्या होगा माइनस एन, यानी माइनस टू इंटू एफ इंटू इसका एनोड सेल कितना है 0.337, क्लियर बेटा। सेकंड क्या है सी यू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा सी यू कॉपर बनेगा, कितना है इसका डेल्टा जी नोड माइनस इलेक्ट्रॉन एक ऐड किया एन इंटू एफ इंटू इनोड सेल की वैल्यू कितनी है 0.521, क्लियर। अब इक्वेशन वन से और टू से थर्ड हमें बनानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ हमें चाहिए टू सी यू प्लस और यहाँ सी यू और सी यू प्लस टू, ठीक है, तो सी यू प्लस यहीं पे है तो इस वाले को तो आपको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ क्या आएगा टू सी यू प्लस आएगा, और इधर क्या चाहिए सी यू भी चाहिए और कॉपर प्लस टू भी चाहिए, तो प्लस टू यहीं ना, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ दो सी यू आएगा ना किसे करेंगे तो एक सी यू कट जाएगा, एक बच जाएगा, एक हमें चाहिए। इट मीन्स क्या करना है, इसको सेम रखना है, टू से मल्टीप्लाई करना है, इसको रिवर्स करना है, तो फाइनल इसका डेल्टा जी क्या होगा, इसको टू से कर दूँ माइनस टू इंटू एफ इंटू 0.521, और इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे, इट मीन्स का इसको रिवर्स करते ही साइन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस टू इंटू एफ इंटू 0.337। अब ये दोनों डेल्टा जी नोट हम इक्वल कर दें, ठीक है, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या आ रहा है टू एफ कॉमन आ रहा है क्या, लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है, और 0.337 माइनस 0.521, क्लियर। अब ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, ठीक है, तो एनोड सेल की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव, और मैंने क्या बताया वर्किंग कंडीशन क्या है, एनोड सेल क्या आना चाहिए बेटा पॉजिटिव आना चाहिए, एनोड सेल पॉजिटिव, रिएक्शन पॉसिबल है, सेल वर्क कर जाएगा, इट मीन्स सी यू प्लस का विषमानुपातन क्या है संभव है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। अब इसका जो रिवर्स रिएक्शन तो अगला क्या है, सी यू प्लस एंड सी यू प्लस टू का क्या होता है, कम प्रोपोर्शनेशन, नहीं इसका अपोजिट क्या है समानुपातन है, तो इसकी रिवर्स इसके लिए एनोड सेल नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट मीन्स आपका सेकेंड क्या है इनकरेक्ट है। थर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है, एनोड सी यू प्लस से सी यू प्लस टू एंड सी यू प्लस से सी यू के जो सम है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो देखते हैं, देखो सी यू प्लस से सी यू तो आपके पास है कितना 0.521, और आपको करना है कैलकुलेट क्या, ई नोट सी यू प्लस से सी यू प्लस टू, तो सी यू प्लस से सी यू प्लस टू के लिए कैसे करेंगे, एक बार मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, सी यू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनता है इससे, सॉरी सी यू प्लस गिव्स टू सी यू प्लस टू एंड वन इलेक्ट्रॉन, तो इसका डेल्टा जी क्या होगा माइनस वन इंटू एफ इंटू एनोड सेल, ठीक है। अब सी यू प्लस से सी यू प्लस टू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अपने पास सी यू प्लस टू से सी यू है, सी यू प्लस से सी यू है, ठीक है, तो जो मैंने रिएक्शन लिखी थी पहले मैं वापस एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, और अपने पास वैल्यू किस किस की है, एक तो सी यू प्लस टू
प्लस टू इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, सी यू। क्लियर। इसका डेल्टाजी था माइनस टू इंटू एफ इंटू 0.337, था कि नहीं था? क्लियर। ये वाले हम लिखें तो क्या होगा, सी यू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, सी यू। इसका था माइनस वन इंटू एफ इंटू 0.521, यही था। अब हमें चाहिए क्या, सी यू प्लस से सी यू प्लस टू, यानी देखो सी यू प्लस चाहिए रिएक्टेंट में और प्लस चाहिए प्रोडक्ट में, तो आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगी रिएक्शन आपके, क्लियर। सी यू प्लस टू और इसको माइनस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा और सी यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइनस का आएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा अपने आप ही। यानी आपको रिएक्शन नंबर टू में से रिएक्शन नंबर वन क्या करना बेटा, माइनस कर देना, उससे आपके ये रिएक्शन बन जाएगी। तो इसका डेल्टाजी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी क्या हो जाएगा, एफ कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 × 0.337 माइनस 0.521, ठीक है। इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ मैं, तो इक्वल करने के लिए एक काम करते हैं, माइनस कैंसिल कर, तो माइनस साइन ले रहा हूँ मैं, यानी क्या कर रहा हूँ, माइनस एफ ले रहा हूँ, माइनस यहाँ से ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 0.521। ध्यान देना मैंने क्या किया है, ये माइनस बाहर है तो माइनस बाहर हम कैंसिल कर देंगे, इसलिए ये नेगेटिव में यहाँ ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं इसे, मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ लेते ही 0.521 तो पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 2 × 0.337 क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दो, ठीक है, एफ भी कैंसिल कर दो, तो इनोड सेल की वैल्यू आपके पास आ गई 0.521 माइनस 2 × 0.337, क्लियर। तो ये वैल्यू तो अपने पास किसकी आई है, सी यू प्लस से सी यू प्लस टू। अब पूछ क्या रहा है, अगर ये ऐड करें तो बताइए, पॉजिटिव नहीं है तो इसका भी ऐड कर दें, सी यू प्लस से सी यू प्लस टू की वैल्यू तो अपने पास है, सी यू प्लस से सी यू, ये वैल्यू अपने पास है, प्लस 0.521, यानी इसका भी डबल हो गया, इसका भी डबल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, टू को मान लेना बेटा, तो 0.521 माइनस क्या आएगा, देखो ये डबल हो रहा ना, मैंने टू कॉमन ले लिया, क्या आएगा माइनस में 0.337। अब देखो 0.521 की वैल्यू जो है 337 ज़्यादा है ना, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, क्लियर बेटा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमने देखा था करेक्ट था, सेकेंड इनकरेक्ट है और थर्ड भी क्या है, करेक्ट है। तो आपका क्या आंसर आएगा बेटा, फर्स्ट और थर्ड आंसर आ जाएगा, क्लियर बेटा, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से कथन सत्य है, द पीएच ऑफ 10^-8 HCl सॉल्यूशन, पीएच ऑफ 10^-8 HCl सॉल्यूशन क्या है, 8 है, 10^-8 HCl विलयन की पीएच 8 है, ये सही है गलत है। तो देखो अगर यहाँ से हम कंसंट्रेशन क्या आएगा, 10^-8 हो जाएगा और पीएच 8 है, और 8 बताओ पॉसिबल है क्या, अगर मोर देन 7 पीएच है तो बेस की होगी और HCl क्या है, एसिड है, तो डैम श्योर ये क्या है, इनकरेक्ट है। और अगर एक्चुअल निकालें इसकी तो क्या करते हैं, इस केस में टोटल एच प्लस क्या करते हैं बेटा, 10^-8 फ्रॉम HCl एंड 10^-7 फ्रॉम वाटर, तो टोटल जो एच प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आती है, 10^-1 कॉमन लेंगे तो 0.1+1, यानी आपका आ गया बेटा 1.1 × 10^-7, तो पीएच क्या हो जाएगी, 7 − log 1.1। अब log 1 की वैल्यू जीरो होती है और 1.1 की जीरो से थोड़ी ज़्यादा होगी ना,
तो 7 में से 0 से थोड़ा ज़्यादा अगर माइनस कर दें तो लेस देन 7 हो गया ना, तो एसिडी की पीएच क्या होती है, लेस देन 7 ही होती है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात करें सेकेंड की, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच टू पी ओ फोर माइनस इज एच पी ओ फोर माइनस थ्री। एच टू पी ओ फोर माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस देखना है, यानी ये एसिड है, तो एसिड है, एसिड कौन सा, ब्रॉन्ज स्टेन्ड एसिड बी ए है, और ब्रॉन्ज स्टेन्ड एसिड क्या होता है, द सब्सटेंस विच रिलीज एच प्लस, तो यहाँ से एच प्लस निकाले हम, तो क्या बनेगा, एच पी ओ फोर माइनस टू, और इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस होता है, कॉन्जुगेट ब्रॉन्ज स्टेन्ड बेस, और यही बोल रहा है स्टेटमेंट में, एच पी ओ फोर माइनस टू, यानी आपका सेकेंड करेक्ट है। क्लियर? थर्ड ऑप्शन है, ऑटो प्रोटोलिसिस कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीज विथ टेम्परेचर। तो देखो क्या होता है, ऑटो प्रोटोलिसिस यानी 2H2O क्या बनता है इससे, H3O प्लस प्लस OH माइनस, यानी अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं H2O इक्वल टू H प्लस इन टू OH माइनस। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयंस का डिसोशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपका ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ पढ़ें, फोर है, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोप्रोटिक एसिड, एग्जांपल ले लें इसका, CH3COH, ठीक है, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस, साथ में क्या लें, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लें, एट हाफ ए न्यूट्रलाइजेशन पीएच क्या होगी, आधे उदासीनीकरण बिंदु पर दुर्बल मोनोप्रोटिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल है का प्रबल क्षार NaOH के साथ क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं, तो 50% अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो रिएक्शन क्या बनेगा, CH3COONa प्लस H2O। अब मान लो इसकी कंसेंट्रेशन के पास सी थी, तो 50% तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, उदासीन हो गया, तो यहाँ से सी में से C/2 रिएक्ट कर लेगा, और इसके C/2 बनेगा ना, इन्हें हम कह सकते हैं कि यहाँ भी C/2 बच गया, यहाँ भी C/2 बच गया, यानी अपने पास फाइनल क्या बचा, WA, क्या बचा बेटा, WA वीक एसिड दुर्बल अम्ल प्लस WA प्लस SB सॉल्ट। अगर ये किसका केस है, एसिडिक बफर, क्या है बेटा, एसिडिक बफर बन गया, और एसिडिक बफर की पीएच निकालते हैं किससे, हेंडरसन इक्वेशन से, हेंडरसन समीकरण से, वो क्या होती है, पीएच इक्वल टू PKa, क्या होती है बेटा, पीएच इक्वल टू PKa प्लस लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और यहाँ पे एसिड और सॉल्ट इक्वल है ना बेटा, C/2, तो लोग वन तो क्या हो गया, जीरो, तो पीएच इक्वल टू क्या आ गया, PKa, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में अपने पास है PKa/2 है, इट मीन्स ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, यानी आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, इसमें सेकंड और थर्ड क्या है, करेक्ट है बेटा। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये फिजिकल केमिकल सॉल्यूशन फिनिश होता है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय CLC। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो हम लोग पेपर सेकंड जो है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या दे रखा है हम लोगों को, सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं और उनमें से पूछा कि नॉन प्लेनर स्पीसीज कौन सी होगी। सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन से हमें उनका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि वो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। तो आप लोगों को सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता ही है बिल्कुल। NO3 माइनस की अगर मैं बात करूं तो NO3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मेरे पास में sp2 होगा, स्ट्रक्चर भी कैसी होगी इसकी, प्लेनर होगी। अगला वाला AsO3-2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन As के 5, -3 चार्ज है 8, मतलब ÷2 कितना हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर sp3 है
तीन ऑक्सीजन इससे अटैच है तो प्लेनर स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। कैसा होगा स्ट्रक्चर? पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CO3-2। कार्बन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अपने पास में? 4 है, माइनस 2 चार्ज है, 6/2 3 आ जाएगा। मतलब अगेन ये कैसा है? sp2 है, मतलब प्लेनर होगा। ClO3- क्लोरीन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है, माइनस 1 चार्ज है, 8 हो गया। मतलब sp3 अगेन हाइब्रिडाइजेशन हो गया। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका भी? पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। SO3-2 सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस 2 चार्ज दे रखा है मुझे, कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। BO3-3 बोरोन के पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस 3 चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब देखो जो भी sp2 वाले हैं वो सारे अपने पास में यहाँ पे क्या होंगे? प्लेनर होंगे। sp2 NO3- है मेरे पास, एक हम लोगों ने CO3-2 निकाला और BO3-2 निकाला। ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे दे रखा है? NO3- दे रखा है, CO3-2 दे रखा है, BO3-2 दे रखा है। मतलब थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेंट अमंग हैलोजेंस एंड मोस्ट पावरफुल रिडक्टेंट अमंग हैलाइड आयन। अगर मैं हैलोजेंस में ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है अपने पास में? पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सबसे ज़्यादा F2 होता है, F2 के बाद में Cl2 की पावर होती है, देन Br2 होता है, देन I2 होता है। ये क्या होता है? इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। और अगर मैं रिडक्टेंट की बात करूं तो रिडक्टेंट क्या होगा? यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके बाद Br- Cl- F-, ये किसका पावर है? ये ऑक्सीडाइजिंग का ऑर्डर है। ये किसका है मेरे पास? रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग पावर है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी कर सकते हो, सिंपल सा है। अब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में? पावरफुल पूछा है तो F2 और ये I-। चले हम लोग नेक्स्ट। विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम? चलो पहले वाले में देखते हैं हम लोग। ये C2H5 दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है? C2H5। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे CH2CH3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है हमें। अब ये सब्सिट्यूएंट की तरह है, ये सब्सिट्यूएंट की तरह है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। नाम क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल, 3 पे फिनाइल पेंटेन। मतलब ये वाला मुझे करेक्ट नाम दे रखा है। अगला वाला, यहाँ पे CUH फंक्शन ग्रुप है तो फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या बोल देंगे हम लोग? 4 पे ऑक्सो पेंटेनोइक। बिल्कुल बेटा, ये भी हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट हम लोग देखें इसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, क्या आएगा? 3 ब्रोमो। बट हमें क्या दे रखा है? 1 ब्रोमो दे रखा है, ये अपने पास में रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है मुझे? CH3CH2. अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोगों को ऑर्डर पता है कि ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो सबसे पहले हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। तो क्या हो जाएगा? पेंट, 3 पे इन 1 पे आइन। मतलब ये भी करेक्ट है। तो मुझसे रॉन्ग पूछा था, ठीक है, तो थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हम लोगों को यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है, डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करना है, ठीक है। H3O पॉजिटिव दे रखा है तो क्या बनाओगे? स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओगे। स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बनाओगे तो हमें पता है स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा मेरे पास में, सबसे पहले CH3 बनेगा, CH, इधर हाइड्रोजन का अटैक करवाऊंगा, ये CH3 इधर आ गया मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर OH का हम लोग आगे अटैक करवाएंगे, वैसे H2O अटैक करेगा, कौन करेगा? H2O, उसमें से H+ को निकाल देंगे। तो मैं डायरेक्टली भी खैर बना सकता था, CH3 C इधर OH, ये CH3 हो जाएगा मेरे पास और ये मेरे पास CH3 हो जाएगा। कैसा बन गया? एक 3° अल्कोहल बन गया मेरे पास। चलो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दे रखा है।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप लोग यहाँ पे? कैसे बनता है ये? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, एच यहाँ पे ओ एच यहाँ पे, कैसा एल्कोहल बन गया ये? वन डिग्री एल्कोहल बन गया। अब क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ए एंड बी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, किससे विभेदित किए जा सकते हैं? सोडियम मेटल से, भैया दोनों ही रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल से, ये भी करेगा ये भी करेगा। ल्यूकाज रिएजेंट, बिल्कुल ल्यूकाज रिएजेंट तो हम लोग काम में लेते हैं, वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में लेते हैं कि नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं भैया, ये इमीडिएटली रिएक्शन देगा, ठीक है, जैसे ही डाला वैसे ही रिएक्शन देगा। अगर टू डिग्री होता तो पांच मिनट में रिएक्शन देता, थ्री डिग्री या तो देगा ही नहीं या फिर आधे घंटे के बाद में गर्म करने के बाद में देगा। तो बिल्कुल ल्यूकास रिएजेंट से मैं इनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। न्यूट्रल एफिसियल थ्योरी, फिनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए काम में लिया जाता है, यहाँ पे कोई फिनॉल नहीं है अपने पास में। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, दोनों ही दे देंगे, दोनों ही एस्टर बना सकते हैं, तो किससे विभेदित कर सकते हैं हम लोग? ल्यूकास रिएजेंट से विभेदित कर सकते हैं। आगे बात समझ में? चले हम लोग आगे, ये तो ठीक है, टीसी सर करवाएंगे आपको, ये भी करवाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, क्या बोल रहा है? कंपाउंड एक्स कह रहा है सी सेवन है, कितने उसमें सेवन कार्बन है मेरे पास में, सी सेवन बोल रखा है भैया, एच फोर्टीन ओ फोर, ठीक है, ये मुझे फॉर्मूला दे रखा है। ओन ओजोनोलिसिस गिव्स वाई, कोई एक प्रोडक्ट है जो कि मुझे वाई दे रहा है ओजोनोलिसिस करने पे, एंड जेड, वाई एंड जेड दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड टूट जाता है ओजोनोलिसिस करने पे, तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जेड इज एल्डिहाइड विच गिव ओनली वन ऑक्सीम विद एनएच टू ओ एच, ठीक है, Z क्या है? एक एल्डिहाइड है जो कि एक ही ऑक्सीम दे रहा है, किसके साथ में रिएक्शन करने पे? NH2OH के साथ में रिएक्शन करने पे, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद I2NaOH Y मतलब जो भी मेरे पास में यहाँ पे बना था वो एक येलो सॉलिड के साथ में एक कंपाउंड दे रहा है बिलो, अच्छा ये कंपाउंड दे रहा है मुझे, इसके साथ में क्या मिल रहा है मुझे? इसके साथ में CHI3 मिल रहा है, कौन सी रिएक्शन करने पे? हेलोफॉर्म रिएक्शन करने पे। तो देखो भैया, अगर हेलोफॉर्म से ये मिल रहा है तो हमारे पास में इससे पहले वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? ये CH2OH, HH, OH, OH, इधर OH, ये H है और यहाँ पे CO, और इसको जोड़ दूं मैं CH3, ये बनाया मैंने, और इसको क्या नाम दूं मैं? ये मैं Y बोल सकता हूं, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? Y। साथ में ये जो बना है ये X से बना है, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6, सिक्स कार्बन तो इसमें है, ओजोनोलिसिस इसका किया था हमने, तो Y प्लस जेड मिला है, तो मतलब एक ही कार्बन का कोई एल्डिहाइड बनाए और जो ओनली वन ऑक्सीम देता है। तो देखो भैया, दूसरा जो है मेरे पास में वो क्या बना होगा? फॉर्मेल्डिहाइड बना होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड बना होगा, और इसका ये कौन है? ये जेड है मेरे पास में, ये मेरे पास में जेड है, ये वाई, ये जेड हो गया, इसकी वाई की हम लोगों ने हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाई थी तो ये बना। अब आगे क्या बोल रहा है हमें? अच्छा, हम लोग इससे जो है एक्स भी निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल हमें पता है कि ओजोनोलिसिस से बनाया है ये, किससे बनाया है? ओजोनोलिसिस से। तो ये क्या होगा मेरे पास में? इधर मैंने CH2OH लगा दिया, एच लगा दिया, OH, ये एच, OH, इधर एच, यहाँ पे OH, और इनको जोड़ देता हूँ मैं, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर CH3 लगा हुआ, ये मेरे पास में X है। देख लो भैया, सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 7 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ये स्ट्रक्चर X का स्ट्रक्चर बना लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अब हम लोगों को? अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, बिल्कुल जो भी हम लोगों को बनाना था हम लोगों ने बनाया। अच्छा, व्हेन एक्स इज क्रिएटेड विद D2Ni इट गिव्स टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वी एंड डब्ल्यू, ठीक है, देखते हैं हम लोग इसकी रिएक्शन जो है, इसकी रिएक्शन हम लोगों को किसके साथ में करवानी है? D2+Ni के साथ में करवानी है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी, तो दो कंपाउंड वो हमें बोल रहा है कि भैया दो कंपाउंड बनेंगे। देख लो ध्यान से क्या बनेगा,
एक तो इसके ऊपर जब डी टू का अटैक करवाया तो कार्बन के साथ में ड्यूटेरियम में यहाँ पे जोड़ दूँ और यहाँ पे क्या हो मेरे पास सी एच टू डी हो, ऊपर मेरे पास में सी एच थ्री बिल्कुल है, बाकी के कॉन्फिग्रेशन जो होगा वो सेम होगा। क्या दे रखा है मुझे, ओ एच दे रखा है, एच दे रखा है, एच दे रखा है, यहाँ पे एच ओ एच ओ एच, इधर सी एच टू ओ एच, ठीक है। एक तो ये बना है और साथ में एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ये जो ड्यूटेरियम है ये इसी साइड में हो, ड्यूटेरियम उस तरफ भी तो हो सकता है, बिल्कुल ये ड्यूटेरियम इधर, ये सी एच टू डी जोड़ दिया हम लोगों ने, बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि बाकी हम लोग कहीं पे कोई रिएक्शन कर ही नहीं रहे, तो एच ओ एच ओ एच सी एच टू डी और यहाँ पे क्या बना दिया मैंने सी एस थ्री बना दिया। तो इनमें से एक वी है, इसको मैं वी मान लेता हूँ, इसको मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ, ये इसकी रिएक्शन करने पे बना है। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, कंपाउंड वी एंड डब्ल्यू आर, वी और डब्ल्यू क्या बोल रहा है मुझे, इनेंचियोमर्स या डाइस्टीरियोमर्स या आइडेंटिकल या न्यूक्लियर आइसोमर, देख लो भैया क्या दिख रहा है, बाकी सब पे कॉन्फिग्रेशन सेम है, नीचे नीचे सब पे कॉन्फिग्रेशन सेम है, केवल एक कायरल सेंटर के ऊपर कॉन्फिग्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। क्या ये मिरर इमेजेस है, नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग इनको, डाइस्टीरियोमर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इनेंचियोमर तो कह नहीं सकता, डाइस्टीरियोमर बोल सकता हूँ, आइडेंटिकल वो है नहीं, न्यूक्लियर आइसोमर होगा नहीं, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, ये स्ट्रक्चर आप लोग लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे तो जाएगा नहीं, ओके आगे हमें कह रहा है इसी में ही जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाए थे, वो कह रहा है कि X gives positive test with 2,4 DNP and Br2 solution। अब देखो भैया हम लोग अगर स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को, अभी अभी जो हम लोगों ने बनाए हैं स्ट्रक्चर, उसमें X का जो स्ट्रक्चर था उसमें मेरे पास में कार्बोनिल था नहीं था, कार्बोनिल नहीं था मेरे पास में, X का जो स्ट्रक्चर था वो मेरे पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, उसमें कार्बन डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे सी एच थ्री था, ठीक है, ऊपर सी एच थ्री था, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे मेरे पास में ओ एच 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 सी एच टू ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच और ये एच था, ये स्ट्रक्चर मेरे पास में था। तो क्या ये 2,4 डीएनपी के साथ में रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, बीआर टू के साथ में कर सकता, मतलब ये स्टेटमेंट मेरे पास में रॉन्ग हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि वाई डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद 2,4 डीएनपी एंड टॉलरेंस रिएजेंट। वाई क्या बनाया था हम लोगों ने, इसका ओजोनोलिसिस किया था, ओजोनोलिसिस किया था, तो यहाँ पे कार्बोनिल बन गया था मेरे पास, कार्बोनिल बना तो 2,4 डीएनपी के साथ तो देगा, लेकिन वो कीटोन बन रहा है, क्या बन रहा है वो कीटोन, तो कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, ये भी रॉन्ग हो गया मेरे पास, ये भी रॉन्ग हो गया। बना लेते हैं, Y क्या बनाया था हम लोगों ने, हम लोगों ने बनाया था ये यहाँ पे कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O, ये OH H H CH2 OH, इधर OH इधर OH, ये H और यहाँ पे ये बनाया था भैया हम लोगों ने, है ना। तो कह रहा है कि ये तो हमारे पास में Y था, ये Z था, Y जो है वो 2,4 DNP के साथ में रिएक्शन बिल्कुल दे देगा, लेकिन टॉलरेंस टेस्ट के साथ में नहीं देगा, क्योंकि टॉलरेंस तो कीटोन देगा, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अगला, कंपाउंड V गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद NaHCO3। कंपाउंड V क्या बनाया था हम लोगों ने, इसकी ड्यूटेरियम के साथ में रिएक्शन करवाई थी, तो वी एंड डब्ल्यू बना था, वो बाइकार्बोनेट के साथ में टेस्ट देगा, पॉसिबल है क्या, बाइकार्बोनेट के साथ में जो टेस्ट तब होता है जब एसिडिक ग्रुप हो, एसिडिक ग्रुप है नहीं अपने पास में, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला देखना, इज द आइसोमेरिक अमाइड ऑफ ऑक्सीम ऑफ नेक्स्ट हायर होमोलोग ऑफ जेड, जेड है, जेड का अगला होमोलोग जो होगा वो यही होगा, होमोलोग मतलब सी एच टू हम लोग बढ़ा देते हैं, तो एसिड एल डी आइड होगा,
इसका क्या बनाना है मुझे, इसका ऑक्सीम बनाना है, इसका ऑक्सीम बनाना है, तो ऑक्सीम डबल बॉन्ड एन ओ एच और एच, ये मैंने ऑक्सीम बना दिया। इसका आइसोमेरिक अमाइड बनाना है, इस ऑक्सीम का आइसोमर बनाना है जो कि क्या हो मेरे पास, आइसोमर बनाना है जो कि अमाइड होना चाहिए। तो देखो दो कार्बन का सीधा सीधा मतलब है, दो कार्बन का मुझे अमाइड बनाना है, ठीक है, बना दिया मैंने, यही स्ट्रक्चर है, यही बोल रहा है इस द, ये जो स्ट्रक्चर दिया है वो कह रहा है ये आइसोमेरिक अमाइड है किसका, जो जेड है उसके होमोलोग के ऑक्सीम का। थोड़ा सा बहुत, मैं तो वैसे देखे तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है हम लोगों की जेड का होमोलोग, होमोलोग का ऑक्सीम, ऑक्सीम का आइसोमर, उसका मुझे स्ट्रक्चर दिया है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो अपने पास बिल्कुल करेक्ट है भैया, यही तो दिया है हम लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों को सर ने करवा दिया। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कैन बी यूज टू ऑप्टेन, ये कुछ मुझे प्रोडक्ट दे रखा है और पूछा गया है कि इन प्रोडक्ट्स को मैं किन किन, मतलब फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन करवा के इन में से किन किन को मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो देखो अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे स्टार्टिंग मटेरियल क्या काम में लेगा लेना पड़ेगा, मुझे स्टार्टिंग मटेरियल काम में लेना पड़ेगा यहां पे एनिसॉल, OCS3 काम में लेना पड़ेगा। इसके साथ फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन करवाऊंगा तो बिल्कुल हो जाएगी, यील्ड भले ही थोड़ी सी कम आएगी लेकिन पैरा पोजीशन के ऊपर ये बन जाएगा, मतलब ये मैं बना सकता हूं फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन से। यहां पे मुझे टॉल्यूइन लेना पड़ेगा, टॉल्यूइन की मैं रिएक्शन करवाऊंगा फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, बिल्कुल पैरा पोजीशन पे हो जाएगा, मतलब ये भी मैं बना सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन, क्या मैं नाइट्रोबेंजीन से बना सकता हूं इसको, नहीं पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, नाइट्रोबेंजीन फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, उसे तो इसलिए एज ए सॉल्वेंट काम में लिया जाता है फॉर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन, क्या एनिलीन हम लोग ले सकते हैं, नहीं भैया एनिलीन भी हम लोग नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि एनिलीनियम आयन बना लेता है तो ये भी नहीं बना सकते हम लोग फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन से। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 and 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये दे रखा है प्रोडक्ट ए एंड बी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, किससे विभेदित कर सकते हैं हम लोग, ओके आइसोसाइनेट दे रखा है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाया तो मेरे पास में जो ए होगा, ए जो होगा मेरे पास में वो क्या बनेगा, आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करने पे हमारे पास में 1 degree अमीन बनता है, मतलब जो ए बनेगा मेरे पास में वो बनेगा CH3, यहां पे CH, CH3, इधर NH2 प्लस HCOOH, ये बनेगा, ये मेरे पास में ए बना इधर, दूसरी तरफ H2 निकल के साथ में, अब इसके साथ में रिएक्शन करवाना है तो हमारे पास में अमीन बनेगा 2 degree, कार्बन नहीं टूटेगा इसमें, CH3 2 degree अमीन बनाएंगे हम लोग, ये इधर, यहाँ पे NHCH3 बना दिया। आगे बात समझ में, ये क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में A है, ये क्या है मेरे पास में B है, अब बना लिया हम लोगों ने A B, अब इनको डिफरेंशिएट करना है मुझे, मुझे इनको विभेदित करना है, किससे विभेदित कर सकता हूं, पहला देखना ट्रीटमेंट ऑफ CHCl3OH-, बेसिक कंडीशन के अंदर क्लोरोफॉर्म दे रखा है तो बिल्कुल आइसोकार्बिल अमीन रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकती है। कार्बिल अमीन रिएक्शन कौन देगा, आइसोसाइनेट टेस्ट कौन देगा, 1 degree अमीन देता है भैया, 2 degree देगा क्या, नहीं देगा, केवल 1 degree अमीन ये रिएक्शन देता है, तो ए जो होगा वो रिएक्शन देगा, बी नहीं देगा, मतलब मैं इसे विभेदित कर सकता हूं, मुझे तो विभेदित ही करना है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ HNO2, ए लिबरेट्स N2 गैस व्हाइल बी ये है डज नॉट, सही बात है, NH2 की रिएक्शन अगर मैं HNO2 के साथ में करवाऊं डाइएजोटाइजेशन होगा, N2 गैस बाहर निकलेगी, अल्कोहल जनरली हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाते हुए, लेकिन बी में रिएक्शन नहीं होगी, येलो ऑयली लिक्विड बनाता है, नाइट्रोसो अमीन कह देते हैं उसे हम लोग, तो ये भी सही बात है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला द एक्शन ऑफ CH2HGCl2, बी गिव्स ऑर्डर ऑफ मस्टर्ड ऑयल व्हाइल ए डज नॉट, देखो भैया HGCl2 के साथ में रिएक्शन जो है वो ये भी करेगा, ध्यान से सुनना,
ये भी करेगा और ये भी करेगा, दोनों ही करेंगे। लेकिन जब हम लोग बेस डालते हैं आगे, तो ये जो होगा ए वाला जो 1 डिग्री अमीन होता है, केवल वही सॉल्यूबल होता है क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला सॉल्यूबल नहीं होता। मुझे दे तो रखा है लेकिन रिवर्स दे रखा है। मुझे क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि बी जो है वो ऑर्डर देगा मस्टर्ड ऑयल की। बी तो नहीं देगा, कौन देगा? ए मुझे स्मेल देगा मस्टर्ड ऑयल की, ठीक है। तो मतलब ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला वो मुझे गलत दे रखा है, ठीक है ना। ए स्मेल देगा, बी स्मेल नहीं देगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पैराटोल्युइन सल्फोनिल क्लोराइड ए गिव्स एल्कली सॉल्युबल प्रोडक्ट। हिंसबर्ग टेस्ट दे रखा है, हिंसबर्ग रिएजेंट दे रखा है मुझे, तो वो जो देगा क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे बना देता हूँ मैं CH3CH CH3, यहाँ पे इसके साथ में NH के साथ में जोड़ देते हैं हम लोग SO2PH को, ठीक है। जो क्लोरीन है वो तो हम लोग बाहर निकाल देंगे, पैराटोल्युइन सल्फोनिल क्लोराइड दे रखा है मुझे, ओके। और ऐसा ही हम लोग इसके साथ भी बना देंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर। दूसरी तरफ जब अमीन बनेगा तो इसका हाइड्रोजन ऑलरेडी निकल जाएगा, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये सॉल्यूबल होगा एल्कली के अंदर। लेकिन बी वाला सॉल्यूबल नहीं होगा, मतलब ये भी मुझे क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। बी वाला अगर हम लोग बनाए ना, हम लोग अगर बनाए तो क्या बनाएंगे, CH3 बनाएंगे, CH बनाएंगे, फिर ये CH3 बनेगा, ये नाइट्रोजन बनेगा, इसके ऊपर ऑलरेडी एक CH3 है, सिंगल बॉन्ड आएगा ये, और इसके ऊपर और क्या जुड़ जाएगा, मैं SO2PH ये जोड़ दूंगा। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं। लेकिन इसके पास में हाइड्रोजन है तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, सॉल्ट बनाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा। चलो देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, व्हेन CO2 इज पास्ड इनटू एक्वस, CO2 और वाटर दे रखा है मुझे। अब अगर CO2 और वाटर मुझे साथ में दे रखा है तो इनका काम क्या होगा, इनका काम सिंपल सा ये है, CO2 प्लस H2O। हम लोगों को पता है कि H2CO3 बनाता है, H2CO3 से मुझे H+ मिल सकता है और CO3-2 मिल सकता है। ये दो H+ लगा लो, या H+ HCO3- ये भी लिख सकते हो। अब क्या कह रहा है ये, Na2CrO4 सॉल्यूशन इट्स येलो कलर चेंजेस टू ऑरेंज। मतलब ये अगर हमने उस सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा देख लेते हैं। Na2CrO4 HCO3- लिख सकते हो, या H+ भी अगर मैंने सिंपल सा रखा तो भैया ये क्या काम करता है, ये इसको डाइमर बना, इस तरीके से ये बन जाता है। H2O वगैरह जो भी है वो सब बाहर निकल जाएगा। और ये कैसा कलर का होता है, ये हमारे पास में येलो कलर का होता है। ये कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो मतलब पहली वाली रिएक्शन हो सकती है। दूसरा K2MnO4, Mn जो है K2MnO4, Mn यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इस एसिडिक कंडीशन में, या फिर मैं कह दूं CO2 के साथ में क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होता है इसका, रिडक्शन भी होता है, बिल्कुल ये चेंज हो जाएगा हमारे पास में एक तो KMnO4 के अंदर, जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, +6 से +7 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में ये बनाता है MnO2, बिल्कुल MnO2 ही हमें दे रखा है, MnO2 जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, तो +6 से +4 में गया, रिडक्शन भी हुआ, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी एलिमेंट का रिडक्शन, तो भैया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है क्योंकि K2MnO4 एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है ज्यादा। KMnO4 जो होगा वो बनेगा यहां पे। नेक्स्ट हम लोगों को दे रखा है कि Na2Cr2O7 इट्स ऑरेंज कलर चेंजेस टू ग्रीन KMnO4 सॉल्यूशन। भैया पहले ही यहाँ पे जो CR है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। फर्दर वो कोई और डाइमर वगैरह नहीं बना सकता, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा इसके साथ में, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। KMnO4 ये भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी, वो भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं शो करेगा, ठीक है। और सिंपल सा ये भी कह सकते हो कि भैया ये जो KMnO4 और Na2Cr2O
7 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। CO2 को ले लूँ या H2CO3 को ले लूँ तो यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह नहीं हो सकती, फर्दर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चले हम लोग आगे, समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन से जो कथन है वो सत्य है। द चीफ ऑर ऑफ जिंक इज सिनेबार, जिंक का मुख्य अयस्क सिनेबार है। भैया गलत दे रखा है, क्या गलत दे रखा है देखना, जो जिंक है उसका जो चिफ ओर होता है, जो मुख्य ओर होता है वो ZnSO होता है, जिसे हम लोग जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं, जिंक ब्लेंड कहते हैं हम लोग, ठीक है। और सिनेबार जो होता है, सिनेबार HgS होता है, मरकरी का ओर होता है HgS, तो मतलब गलत दे रखा है हमें, बिल्कुल गलत है, ये गलत बात है, नहीं चलेगा ऐसा। अगला क्या कह रखा है, मैक ऑर्थर्स प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट सिल्वर, मैक ऑर्थर प्रक्रम का उपयोग सिल्वर के निष्कर्षण में होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने मेटलर्जी में, गोल्ड का और सिल्वर का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग, वो साइनाइड के साथ में रिएक्शन करके फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको साइनाइडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो मैक ऑर्थर फॉरेस्ट रिएक्शन से हम लोग सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, भैया सही दे रखा है बिल्कुल। रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कैल्सिनेशन मतलब O2 नहीं होता, रोस्टिंग मतलब O2 होता है, इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ऑर, बिल्कुल। क्यों किया जाता है, क्योंकि साथ में कार्बन, सल्फर, आर्सेनिक और FeO हेमेटाइट के अंदर, वैसे तो हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3 होता है, प्लस 3 है, लेकिन कुछ इंप्योरिटीज प्लस 2 फॉर्म की भी होती है, तो रोस्टिंग में वो सारी जो होती है ना FeO जो भी होगा मेरे पास में, रोस्टिंग में क्या हो जाएगा, वो भी Fe2O3 में चेंज हो जाएगा, बाकी जो इंप्योरिटीज है उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, SO2 SO3 जो भी है, आर्सेनिक वगैरह की जो भी है वो As2O3 बना लेगी, तो बिल्कुल ये भी मेरे लिए सही है, रोस्टिंग करते हैं हम लोग हेमेटाइट ओर का ये सब। अगला, नेस्लर्स रिएजेंट, क्या होता है नेस्लर्स रिएजेंट, K2HgI4, Hg कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक इन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, भैया प्लस 2 तो है लेकिन जिंक नहीं है, ये कौन है, मरकरी है, मरकरी, गलत हो गया ये स्टेटमेंट भी, तो मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 and 3 हो जाएगा, ठीक है। चले हम लोग आगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, मेटलर्जी का इतना कुछ हार्ड नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मुझे देखना कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं मुझे वो करेक्ट है। पहला, ये ब्रोमीन दे रखा है, इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन देन दिस। SN1 रिएक्शन मतलब क्या बनाते हो, कार्बोकैटायन बनाते हो, सही बात है, कार्बोकैटायन, क्या यहाँ पे बनाओगे, नहीं बनाओगे भैया, ब्रिज हेड पोजिशन पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, नहीं बनाओगे, यहाँ पे बना सकते हो, बना सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है उससे, ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया मेरे पास, रॉन्ग हो गया। अगला, C6H5SCH2CH2Cl इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन देन दिस। यहां तो क्या होगा, नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगा, बट इधर इधर देखो, सल्फर, एक तो माइनस आई इफेक्ट, दूसरा जो है ये सल्फर हेल्प करेगा इसको बाहर निकालने में, तो रिएक्शन जो फास्ट होगी, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो सल्फर वाला होगा एज कंपैरिजन टू दिस। और मुझे बोल क्या रखा है, मुझे वही बोल रखा है, बिल्कुल सही बोल रखा है, बिल्कुल सही बोल रखा है कि यही जो है सल्फर वाला कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव होगा फॉर SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग NGP जो है वो एक तरीके का SN2 रिएक्शन ही है, दो बार SN2 रिएक्शन होती है उसमें, ये कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो सही है, बिल्कुल सही है। अगला, CH3OCH2Br ओके इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन देन दिस। देखो भैया SN1 मतलब कार्बोकैटायन, इसको बाहर निकाला, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लेके जा सकते हम लोग, तो ये तो गलत है, मतलब SN1 रिएक्शन ये, और फास्ट भैया देगा ही नहीं SN1 के अकॉर्डिंग, वो तो SN2 देता है उसमें फास्ट होता है, ये बिल्कुल ये दे देगा, क्योंकि यहां से हम लोग इसको निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा,
ये डबल बॉन्ड के साथ में, इसे हम लोग हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटाइन कह देते हैं, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो ये मेरे लिए बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है कि ये वाला जो है मोर रिएक्टिव है फॉर SN1 रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग NO2 लगा रखा है, CH2Br इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन देन CH3O। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो SN1 रिएक्शन ज्यादा स्टेबल होती है या ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकैटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में। लेकिन जब मैं कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूं, तो वहां पे SN2 जो होती है वो स्लो हो जाती है, और SN विड्रॉइंग जब ग्रुप लगा रहा हूं तो SN1 वहां पे स्लो हो जाती है, और SN1 स्लो हो रही है इस वजह से SN2 की रेट बढ़ जाती है, SN2 वहां पे ज्यादा से ज्यादा होती है, क्योंकि विड्रॉइंग के साथ में स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना सकता। यहां पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो SN2 के लिए फास्ट कौन सा होगा? विड्रॉइंग वाला इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2। भैया ये भी सही दे रखा है, जब विड्रॉइंग है तो SN2 ज्यादा होगा। अगर SN1 पूछता तो मैं उसको ज्यादा रिएक्टिव कहता। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन से हो गए यहां पे? 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है हमें, बना लेते हैं हम लोग इस रिएक्शन सीक्वेंस में क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले SNHCl दे रखा है, क्या काम करेगा? रिडक्शन का काम करेगा। किसका रिडक्शन करेगा? NO2 का रिडक्शन करेगा। तो ए जो बना, ए मेरे पास में बनेगा यहां पे मिथाइल, यहां पे NH2। नेक्स्ट एनहाइड्राइड दे रखा है मुझे, एनहाइड्राइड क्या करेगा? एसिटाइलेशन करेगा इसका, NHCOCH3। ये बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने? बी बनाया, ठीक है, ये मैंने ए बनाया। अब HNO3H2SO4 नाइट्रेशन करवाना है मुझे, नाइट्रेशन कहां पे कराऊं मैं? ये प्लस आर है इसकी पैरा पोजिशन के ऊपर, तो देखो सी क्या बनाऊंगा मैं, नाइट्रेशन करवा रहा हूं मैं पैरा पोजिशन के ऊपर। ये मेरे पास में मिथाइल है, यहां पे NHCOCH3 मैंने जोड़ दिया उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर, क्योंकि वो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पे होता तो स्टेरिक हिंड्रेंस होती, इसलिए मैंने पैरा पे जोड़ दिया। अब आगे ये मेरा सी बना, आगे मुझे इसका क्लोरीनेशन करवाना है, Cl2Fe क्लोरीनेशन करवाना है। कहाँ पे करवाऊं भैया? NO2 कैसा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग है, और ये कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो डायरेक्टिंग है। तो एक पोजीशन है जहां पे दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऐसी पोजीशन हमारे पास में है, यहां पे जोड़ दिया हम लोगों ने। यहां पे पहले ही मेरे पास में मिथाइल है, यहां पे मेरे पास में NO2 है, ये क्या बनाया मेरे पास में? ये मैंने डी बनाया है, ठीक है, डी बनाया ये। अब हाइड्रोलिसिस करवाया, हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? ये वापस निकल जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहां पे एमी, ये NH2, Cl है इधर, ये मेरे पास NO2 है, ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास में? ई बन गया, ये ई बन गया, ये मेरे पास में डी था। आगे NaNO2HCl, NaNO2 मतलब डाइएजोटाइजेशन, ओके NH2 है, डाइएजोटाइजेशन करवा सकते हैं। आगे CuCl दे रखा है, मतलब सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है ना, CuCl दे रखा है तो सैंडमियर रिएक्शन, मतलब मैं क्या कर दूं यहां पे? डाइएजोटाइजेशन करवा के यहां पे Me की जगह, तो वही Me ही रहेगा, लेकिन NH2 की जगह, NH2 की जगह मैं Cl को जोड़ रहा हूँ। डाइएजोटाइजेशन हुआ, फिर ARSN1 रिएक्शन होके यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl ऑलरेडी है, ये मेरे पास NO2 है, क्या बना है ये मेरे पास में? F बना है, क्या? F। अब SNHCl, SNHCl वापस से क्या करेगा? NO2 का रिडक्शन, NH2 आएगा यहाँ पे, ये क्या करेगा? NH2 बनाएगा। फिर HNO2 मतलब वापस जो NH2 आया यहाँ पे उसका डाइएजोटाइजेशन, NH2 जो आया उसका डाइएजोटाइजेशन, आगे H3PO2 बना लेते हैं हम लोग इसको। ये पहले इंटरमीडिएट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे Me मेरे पास, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, ये बनाया। और अब लास्ट स्टेप में मुझे क्या दे रखा है? H3PO2। भैया क्या करता है ये? ये इसको हटा के यहाँ पे बेंजीन बना देगा,
बेंजीन बनाएगा, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इधर एम ई, ये मेरे पास में सी एल, ये सी एल, और ये जो बना है ये कौन सा है मेरे पास में, ये मेरे पास में जी है। क्या बन गया, ये जी बन गया। अब देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है हमें, ये मैंने इंटरमीडिएट बनाया था बीच में, ये एफ, एफ के बाद में ये जी। सबसे पहले कह रहा है कि बी, बी कहाँ पे मेरे पास, ये रहा। क्या यही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भैया सही है। अगला वो बोल रहा है कि जी, जी ये रहा, जी का ये स्ट्रक्चर है, नहीं ये गलत है, गलत। ई, ई कहाँ पे, ये रहा स्ट्रक्चर एम ई एन एच टू सी एल एन ओ टू, बिल्कुल सही है, ये सही है जी का स्ट्रक्चर, ये रहा जी, दो क्लोरीन है एक एम ई है, बिल्कुल, मतलब ये भी मेरे पास में करेक्ट है। आगे बात समझ में, तो कौन कौन सा आंसर हो गया, वन हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, ठीक है। चले हम लोग आगे, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो टीसी सर करवाएंगे, सर करवाएंगे, ओके। तो ठीक है भैया, ये आप लोगों का एडवांस का सॉल्यूशन हुआ, पेपर वन का, पेपर टू का, जय सीएलसी।